आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही कमाल का वीडियो स्विचर। ये है स्प्रोलिंक न्यू लाइव R5 वीडियो स्विचर। इससे आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। PTZ कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। बिल्ट इन ऑडियो मिक्सर भी इसके अंदर दिया गया है। क्रोमा की, लूमा की, लोगो वगैरह सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है केवल 40,000 रुपीज। कहां से आप इसे परचेज कर सकते हो वो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्प्रोलिंक का ये वीडियो स्विचर इस तरह की पैकिंग में देखने को मिलता है। स्प्रोलिंक की ब्रांडिंग दी गई है, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर भी आपको स्प्रोलिंक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। इसमें हमें डुअल HDMI आउटपुट मिल जाता है, मल्टी फंक्शनल इनपुट इसके अंदर दिया गया है, ऑडियो इनपुट मॉनिटरिंग इसमें मिल जाती है, USB और SD कार्ड रिकॉर्डिंग इसके अंदर मिलती है, PTZ कैमरा कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक कंट्रोल इसमें दिया गया है, साथ ही साथ वर्चुअल क्रोमा की का ऑप्शन भी यहां पर मिल जाता है। करते हैं इसे ओपन। तो इसके साथ आपको और कोई भी एक्सेसरीज नहीं मिलती है, केवल ये पावर एडप्टर इसके साथ आपको मिलने वाला। ये है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का पावर एडप्टर जिससे हम इस डिवाइस को पावर देने वाले हैं। ये है स्प्रोलिंक न्यू लाइव R5 वीडियो स्विचर। स्प्रोलिंक के वीडियो स्विचर में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर एक SD कार्ड स्लॉट दी गई है। SD कार्ड लगाकर उसमें भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और पेन ड्राइव में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कूलिंग के लिए कुछ वेंट्स दी गए और डिवाइस के इस साइड भी कूलिंग के लिए कुछ बैंड दी गए। इसके अंदर बिल्ट इन कूलिंग फैन मिल जाता है। ऊपर की साइड सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। वीडियो स्विचर के इस साइड इसके सारे कनेक्टिविटी पोर्ट मिल जाते हैं। सबसे पहले यहां पर एक ऑडियो आउट का पोर्ट दिया गया है 3.5 mm का, एक माइक 1 का पोर्ट है, माइक 2 का पोर्ट है, यानी इसमें आपको दो ऑडियो इनपुट पोर्ट दिए गए हैं, एक ऑडियो आउट का पोर्ट दिया गया है, 4 HDMI इनपुट पोर्ट दिए गए हैं, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4। इसके अलावा दो HDMI आउट के पोर्ट दिए गए हैं। ये वाला प्रोग्राम आउट का पोर्ट है और ये ऑक्सिलरी आउट का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको एक USB पोर्ट मिलता है, एक UVC पोर्ट मिलता है। UVC पोर्ट के थ्रू आप इसके आउटपुट को सीधा अपने लैपटॉप पर कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी कैप्चर कार्ड के। इसके अलावा जो ऑक्सिलरी पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट से आप इसका मल्टी व्यू का आउटपुट ले सकते हो। यहाँ पर एक लेन केबल कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। इस डिवाइस से आप डायरेक्ट मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी यहां पर मिल जाता है। आप इसमें SD कार्ड के अंदर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो और यहां पर पेन ड्राइव लगाकर उसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वीडियो स्विचर को हमने कनेक्ट कर लिया है। यहां पर हमारे लैपटॉप के ऊपर इसका मल्टी व्यू आ रहा है और यहाँ एक्सटर्नल मॉनिटर पर प्रोग्राम आउट आ रहा है। यहाँ पर जो पावर एडप्टर इसके साथ आया है तो पावर पोर्ट पर हमने पावर एडप्टर कनेक्ट कर दिया है, लैन पोर्ट पर अपनी लैन केबल कनेक्ट कर दी है, एक पेन ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट करी हुई है USB पोर्ट पर जिसमें हमारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और SD कार्ड में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो SD कार्ड हमारा इस साइड लग जाता है। इसके अलावा जो UVC पोर्ट दिया गया है, UVC पोर्ट से भी आप इसके आउटपुट को डायरेक्ट अपने लैपटॉप पर कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी कैप्चर कार्ड के। यहाँ पर एक ऑक्सिलरी आउट का पोर्ट दिया गया है जिस पर आपका मल्टी व्यू और प्रोग्राम व्यू दोनों आप देख सकते हो। तो ऑक्सिलरी वाला पोर्ट मैंने अपने लैपटॉप पर कनेक्ट कर रखा है और जो प्रोग्राम आउट वाला पोर्ट है ये मैंने अपने एक्सटर्नल मॉनिटर पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमारे दो कैमरे कनेक्ट हो रखे हैं, HDMI 1 और HDMI 2 पर दोनों कैमरे कनेक्ट कर दिए हैं। और ये जो ऑडियो पोर्ट है इन पर अभी फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं लगाया। यहाँ पर आप अपने दो ऑडियो इनपुट और एक ऑडियो आउट यहाँ से ले सकते हो। तो कनेक्शन यहाँ पर हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। बड़े बड़े 4 बटन यहाँ पर दिए गए हैं जिससे आप अपने कैमरे को डायरेक्ट स्विच कर सकते हो। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में बटन शो हो रहा है इसका मतलब हमारा फर्स्ट कैमरा प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो सेकेंड बटन रेड कलर में शो हो रहा है इसका मतलब ये है हमारा सेकेंड नंबर कैमरा इस समय प्रोग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप मोड को चेंज कर सकते हो। जो मोड का बटन दिया गया है मोड पर प्रेस करोगे तो इसका मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो 4 बटन दिए गए हैं ये हमारे 4 कैमरा इनपुट हो गए, इनमें आप 4 कैमरा कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मीडिया का जो बटन दिया गया है ये हमारा 5वां सोर्स हो जाएगा। पेन ड्राइव के थ्रू आप अपनी वीडियो या इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हो और उसे भी एक सोर्स के तौर पर दिखा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलता है एक T-bar, जो T-bar है इससे आप कैमरे को इस तरह से स्विच कर सकते हो ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा सीन यहाँ पर इस तरह से चेंज हो रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, एक लॉक का बटन दिया गया है, इसे अगर आप प्रेस कर दोगे तो सारे बटन हमारे ये लॉक हो जाएंगे जिससे गलती से प्रेस होने की संभावना नहीं रहेगी। इस बटन को एक बार होल्ड करके रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर लॉक का सिंबल आ गया। ये अब सारे बटन हमारे यहाँ पर लॉक हो चुके हैं, लॉक का यहाँ पर आ रहा है। आप देखो कुछ भी बटन प्रेस करोगे तो लॉक्ड लिख के यहाँ पर आ रहा है।
अनलॉक करना है तो फिर से एक बार इसे होल्ड करके रखो, ये अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रीम का बटन दिया गया है, जब आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो तो डायरेक्ट इस लाइव स्ट्रीमिंग वाले बटन को प्रेस कर दोगे, स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो रिकॉर्ड का बटन दिया गया है, इसे प्रेस कर दो तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रेड कलर में आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, पेन ड्राइव के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना हो तो फिर से एक बार इसे प्रेस कर दोगे, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं, एक FTP का बटन दिया गया है। FTP के बटन को अगर हम प्रेस कर देंगे तो हमारी जो प्रोग्राम विंडो है वो इमीडिएटली ब्लैंक हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी प्रोग्राम विंडो ब्लैंक हो चुकी है, लेकिन आपकी लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग जो भी चल रही होगी वो चलती रहेगी। मान लो गलती से अगर कोई ऐसा सीन आ जाता है जो चाहते हो आप लाइव में नहीं दिखाना, रिकॉर्ड में नहीं दिखाना है, तो अचानक से आप लाइव स्ट्रीमिंग बंद ना करके आप FTV वाला बटन दबा दो, उससे आपका सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा। FTV को फिर से प्रेस करेंगे तो स्क्रीन हमारी वापस आ जाएगी, लाइव स्ट्रीमिंग चलने लगेगी। इसी तरह से अगर आपको डायरेक्ट अपना बिना किसी ट्रांजिशन इफेक्ट के अगर स्विच करना है कैमरे को, तो कट वाला बटन आ रहा है, इस तरह से आप बिना ट्रांजिशन के सीन को इस तरह से स्विच कर सकते हो। के बाद यहाँ पर ऑटो का बटन आ रहा है, एक मेनू का बटन है, मेनू के बटन पर प्रेस करके सारी सेटिंग्स कर सकते हो, और ये सेटिंग्स के लिए एक नॉब दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, PTZ कैमरा की स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा ऑडियो डिले यहाँ से सेट कर सकते हो, इसके साथ ही साथ ऑटो एक्सपोजर वगैरह सेट करना है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और बटन दिया गया है, इससे भी आप ऑडियो की सेटिंग कर सकते हो, ऑटो फोकस वगैरह PTZ कैमरे का आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पर एक जॉयस्टिक कंट्रोल दिया गया है जिससे आप PTZ कैमरा को पैन टिल्ट जूम यहाँ से आप कर सकते हो। ऑडियो का बटन है, प्रोग्राम का बटन है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, ये सब ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ऑडियो को आप अलग अलग हर सोर्स के ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको माइक 1, माइक 2, ये सब ऑप्शन यहाँ देख सकते हो। ये पूरा ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन है, अलग अलग सोर्सेज के ऑडियो को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ ऑडियो डिले का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। तो ये सारे बटन हमारे ऑडियो मिक्सर के हो गए। फाइल का बटन दिया गया है, कोई फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, कोई वीडियो फाइल सिलेक्ट करनी है, उसके लिए फाइल का बटन दिया गया है। यूजर का बटन दिया गया है, यूजर 1, यूजर 2। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्ले पॉज का बटन मिल जाता है, प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन मिल जाता है। तो जब हम फाइल के बटन पर प्रेस करेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, लोकल, SD, USB, यानी लोकल फाइल अगर कोई इसके अंदर सेव हो रखी है उसे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर कर सकते हो लोकल पर। इसके अलावा SD का ऑप्शन आ रहा है, SD कार्ड के अंदर कोई फाइल है जिसे आप प्ले करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नीचे ऑप्शन आ रहा है USB का, यहाँ से बेसिकली आप अपने मीडिया को सिलेक्ट कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट की कुछ शॉर्ट कीज देखने को मिल जाती है, मिक्स, बाय, ये सब शॉर्ट कीज यहां पर दी गई है। इसके अलावा ट्रांजिशन इफेक्ट के टाइम को आप इस कीज से सेट कर सकते हो। मान लो जैसे अभी हमारा जो ट्रांजिशन इफेक्ट चल रहा है वो इस तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट चल रहा है, अगर मैं वाइप पर सेट कर देता हूं तो अब हमारा ट्रांजिशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा डिप वाला जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर डिप का आ गया। इसके अलावा इसी तरह से ये वाला दिया गया है, इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रीव्यू का बटन दिया गया है, एक स्टिल का बटन दिया गया है। स्टिल के बटन पर अगर आप प्रेस कर दोगे तो आपकी जो प्रोग्राम विंडो है वो एक तरह से फ्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारी प्रोग्राम विंडो यहाँ पर फ्रीज हो रखी है, फिर से इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये हमारा वापस से चलने लगेगा। आप देख सकते हैं वापस से हमारी प्रोग्राम विंडो प्ले होने लगी। और ये है स्ट्रीम का बटन, डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करनी हो यहाँ पर प्रेस कर दो, स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक बैकग्राउंड का बटन है, कोई बैकग्राउंड अगर आपको यहाँ पर लगानी है तो बैकग्राउंड यहाँ से लगा सकते हो। इसके अलावा एक MB का बटन दिया गया है जो कि मल्टी व्यू का बटन है। ये बटन बेसिकली हमारे ट्रांजिशन इफेक्ट के बटन है, ऑक्सिलरी का बटन दिया गया है, PTZ कैमरा का बटन है, सीन का बटन है, यहाँ से अलग अलग तरह के सीन हम सेट कर सकते हैं, सेट का बटन है, और यहाँ पर एक प्रीव्यू, प्रोग्राम, ये सब बटन यहाँ दिए गए, क्रोमा की, लूमा की, ये ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपना लोगो, इमेज वगैरह ऐड करनी हो वो आप यहाँ से कर सकते हो, लोगो 1, लोगो 2, ये सब ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा एक शॉट का बटन दिया गया है, शॉट पर जब आप क्लिक करोगे तो कोई स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक GFX का बटन दिया गया है, साथ ही साथ प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो मेनू का बटन दिया गया है इसे आप प्रेस करो, अब आप देखोगे नीचे एक पूरा सेक्शन ओपन हो जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है इनपुट का, यहाँ पर ये वाला जो बटन दिया गया है इसे अंदर की तरफ प्रेस करोगे तो और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इनपुट के अंदर आप देख रहे हैं इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, ये सारे इनपुट के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से आप इनपुट को सिलेक्ट कर सकते हो, क्वालिटी क्या रखनी है,
HDMI वो सब डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और आप इसे वर्टिकल सेट करना है, हॉरिजॉन्टल सेट करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा जो इनपुट 5 है वहाँ पर भी आपको सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। इनपुट 5 जैसे ये हमारा ऑप्शन आ रहा है इनपुट 5, जो इनपुट 5 है इसमें आप चाहो कोई वीडियो प्ले करना, वीडियो दिखाना वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर NDI का ऑप्शन भी दिया गया है, NDI इसके अंदर ऑप्शनल है। इसके अलावा वेबकैम कनेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ पुल स्ट्रीम का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है, पुल स्ट्रीम दिखानी है वो आप दिखा सकते हो। तो यहाँ से आप इनपुट की सेटिंग कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन हमारा आ रहा है, दूसरा है आउटपुट का ऑप्शन। फिर से इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ आउटपुट के अंदर आपको ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा आता है लेयर्स का। लेयर्स को ओपन करो तो इसके अंदर आपको ये सब लेयर्स दिखाई देंगी, पिक्चर इन पिक्चर 1, पिक्चर इन पिक्चर 2, यानी इसके अंदर आपको पिक्चर इन पिक्चर के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा मिलता है इफेक्ट का। इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, इनमें से आप कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, उसका ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो। इफेक्ट के बाद ऑप्शन आता है DSK का, यहाँ पर आपको क्रोमा की, लूमा की, ये सब की यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद ऑडियो का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप ऑडियो की सेटिंग कर सकते हो। डिले सेट करना हो ऑडियो डिले सेट करना हो ऑडियो डिले सेट कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग सोर्सेज के ऑडियो को आप कंट्रोल कर सकते हो, पूरा ऑडियो मिक्सर इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद ऑप्शन आता है सीन्स का, यहाँ से आप सीन सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप कोई भी सीन सेलेक्ट कर सकते हो, सिंगल स्क्रीन या फिर इस तरह के जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कोई भी सीन आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ सीन्स को यहाँ पर क्रिएट करके उन्हें सेव करके भी रख सकते हो। दोस्तों इस प्रोलिंक के इस वीडियो फीचर को आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्विचर और आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल फोन सेम नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए। और इसमें आप डायरेक्ट दो प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो काफी बेहतरीन क्वालिटी का वीडियो फीचर है। अगर आप इस वीडियो फीचर को परचेज करना चाहते हो तो इसकी कीमत है केवल 40,000 रुपीज। सारी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। इस प्रोलिंक का ये वीडियो स्विचर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।